हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये ट्रेडमार्क क्या है, लोगो क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप अपना एक ब्रांड नेम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, चाहे वो जो भी ब्रांड नेम हो, एक्स वाई जेड नाम से, इससे आप बिजनेस करते हो, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हो। ये जो नाम होता है, जो हो सकता है, जैसे जो है नाम विक्स, विक्स वेपर अप के अंदर, तो ये विक्स वेपर अप का नाम जो है विक्स रब, वेपर अप और विक्स, ये दोनों ये ट्रेडमार्क है इसका। लेकिन अगर आप ये कंपनी का नाम देखोगे तो जितना मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है। तो कंपनी का नाम और ब्रांड नेम डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो ब्रांड नेम है जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हो, इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लें, क्योंकि आप जब ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं तो ना सिर्फ ये होता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। कोई और कॉपी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रांड नेम के लिए मेहनत कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और कोई और वही नाम से अगर प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे तो सिर्फ छाप के, तो आपकी मेहनत का जो है वो नुकसान हो जाएगा, उसको फ़ायदा होगा और आपके प्रोडक्ट कम बिकेंगे। अब हो सकता है कि वो घटिया प्रोडक्ट बेचे आपका नाम चिपका के, तो भी आपका नुकसान है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर कराओ। अब ये रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करवाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको आपका लोगो जो है वो एक अच्छा सा बना लेना है। जैसे लोगो आप जानते हैं, ये देखिए कैसा ये लोगो है, ठीक है, तो ये लोगो आपको बनवा लेना है, डिज़ाइन करवा लेना है। डिज़ाइन करवाने के बाद में जो है आपको वो सर्च करना पड़ेगा, हम आपकी मदद करेंगे सर्च करके देने में, फ्री में सर्च करके देंगे। उसके बाद में आपको दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक TM-48 और एक एफिडेविट, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ईमेल पे, और उस तरीके से आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में 4,500 रुपये सरकारी फ़ीस लगती है, वो आपको पे करनी होगी, और उसके अलावा कुछ और प्रोफेशनल फ़ीस लगती है जो 2,000 से 3,000 रुपये के करीब है। तो आप अगर अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो देर किस बात की, हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा के देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।